नमस्कार, आप देख रहे हैं आरबीएन न्यूज। खबर मुजफ्फरपुर जिले से है। कांटी थर्मल पावर का पाइपलाइन बिछाने के लिए अधिग्रहण होने वाले जमीन का मुआवजा भुगतान आवासीय दर पर करने तथा प्रभावित किसानों के परिवार के एक सदस्य को एनटीपीसी में नौकरी देने की मांग को लेकर किसानों का एक प्रतिनिधि मंडल शुक्रवार को पूर्व मंत्री अजीत कुमार के नेतृत्व में जिलाधिकारी से मिले। प्रतिनिधि मंडल ने उन्हें 8 सूत्री ज्ञापन भी सौंपा। साथ ही जिलाधिकारी से मिलकर किसानों ने बताया कि थर्मल पावर के लिए दो तरफ से पाइपलाइन लाने की योजना थी, जिसमें कलवारी बूढ़ी गंडक से एनटीपीसी तक पाइपलाइन का काम पूरा हो गया है। एनटीपीसी के द्वारा प्रभावित किसानों को आवासीय दर पर मुआवजा का भुगतान भी कर दिया गया है। वहीं दूसरी ओर एनटीपीसी के मोरसंडी मोतीपुर तक जाने वाली पाइपलाइन के लिए जमीन का अधिग्रहण होना बाकी है। उक्त पाइपलाइन में कांटी, देमहा, रामपुर, लक्ष्मी, गौसी, छपड़ा, बीरपुर सहित कई गांवों से किसानों का जमीन अधिग्रहण होना है। ज्ञापन सौंपे हैं क्या? देखिए, इस देश में विचित्र विडंबना है। चाहे सत्ता हो या शासन हो, हर एक कुर्सी पर किसान परिवार के लोग बैठे हैं, लेकिन आज किसानों पर जोर जुल्म हो रहा है, सुनने को कोई तैयार नहीं। इसीलिए कांटी क्षेत्र के किसानों के साथ मैं आज मुजफ्फरपुर के जिलाधिकारी से मिलने आया हूं। मैं इनको बताने आया हूं कि जोर जुल्म करके आप हमारा जमीन अधिग्रहण नहीं कर सकते। यदि आप जोर जुल्म करिएगा तो न्यायालय में तो हम लड़ ही रहे हैं, हम सरजमीन पर भी लड़ाई लड़ेंगे और किसी कीमत पर हम अपना जमीन सरकार को नहीं देंगे। यदि आप नियम कानून से हमारे सवालों को, हमारे बातों पर विचार करिएगा, हमारी जो मांग है उचित मांग को सम्मान दीजिएगा, निश्चित रूप से कांटी थर्मल पावर के लिए हम जमीन देंगे। हम आपको बताना चाहते हैं कि कांटी थर्मल पावर में बिजली उत्पादन के लिए दो तरफ से पाइपलाइन की व्यवस्था प्रोविजन की गई थी। एक था कलवारी घाट गंडक नदी से थर्मल पावर तक शुद्ध पानी ले आकर बिजली बनाना, और फिर कांटी थर्मल पावर से मुरसंडी मोतीपुर नदी में गंदा जल थर्मल पावर से गिराने के लिए दो पाइपलाइन का प्रोविजन किया गया था। कलवारी से एनटीपीसी में जो थर्मल पावर के लिए पाइपलाइन गया था, वहां सभी किसान को आवासीय दर पर मुआवजा का भुगतान हुआ और पाइपलाइन बिछा। लेकिन ठीक आज थर्मल पावर से जो मुरसंडी मन में जो पाइपलाइन जा रहा है, जिसमें खुदर कांटी, रतनपुरा, ढेमहा, रामपुर, लक्ष्मी, पचपकड़ी, गोसी, छपरा, बीरपुर आदि गांव के किसानों का जमीन पड़ा है, किसी रैयत को भीट का पैसा देने की बात की जा रही है, किसी को धनहर का बात किया जा रहा है, जबकि स्थिति है कि आज किसान बुरी तरह से परास्त है। एक तो प्रकृति की मार से तबाह रहते हैं, दूसरे तरफ ये प्रशासनिक अधिकारी और सरकार किसान को कमजोर करने के लिए जोर जबरदस्ती करके इनका जमीन का अधिग्रहण करने का बात कर रही है। कई दिन किसानों को प्रताड़ित करने का प्रयास किया है। आज हम खुल्लम खुला कलेक्टर साहब को कह दिए कि यदि आप आवासीय दर पर हमारे जमीन का मुआवजा नहीं दीजिएगा तो हम न्यायालय में तो लड़ ही रहे हैं, हम सड़क पर लड़ेंगे और किसी कीमत पर बिना आवासीय दर पर मुआवजा लिए हम जमीन नहीं देंगे। नहीं, हमारे बात को सुनिएगा, हमारे स्थिति को गमिएगा, हम निश्चित रूप से थर्मल पावर को जमीन देंगे। हम चाहते हैं कि थर्मल पावर के पानी निकालने के लिए पाइपलाइन के लिए हम जमीन दें।